हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मायसेल्फ हिमांशु मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि स्टूडेंट, वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट यूनिट विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हम लोग इसमें काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और काफी कुछ बातें कर लिया है मैंने। हम लोगों ने चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया फर्दर। फिर हम लोगों ने शुरुआत की इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके कैसे निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी बात की। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जब हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए जाएं तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दैट मीन्स सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। एक श्योर सर्टेन क्वेश्चन में से ये भी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़िएगा, क्योंकि न केवल इस यूनिट में इलेक्ट्रिक डायपोल की जरूरत है, अगले यूनिट में, सेकंड यूनिट में भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम लोग पोटेंशियल्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ने का एस्पेक्ट होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और जो जरूरत है, जो एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या आईटी जेई नीट के एग्जाम्स में, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो पहले चलिए बेटे, तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये कैसे आता है, क्या है ये। अगर बेटे हम लोगों को सिंगल चार्ज दिया जाए, देन वी हैव फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज 1/4πε0Q/r², यानी चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी गिवन एज 1/4πε0Q/r². बट व्हाट विल हैपन इफ द चार्जेस आर डिस्क्रीट एंड इट इज नंबर ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर आपको ग्रुप ऑफ चार्जेस दे दिया गया है, माय डियर स्टूडेंट, एंड आज क्वेश्चन में पूछा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या करें, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। जैसे सपोज कर लीजिए, पहले की चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, E1 आ गया, दूसरे की वजह से E2 आया, तीसरे की वजह से E3 आ गया, चौथे की वजह से E4 आ गया। यानी सारे चार्जेस की वजह से आप क्या कर लीजिए, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए इंडिविजुअल। उसके बाद आप यूज करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कि आप सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम कर दीजिए। यानी यहां पर जितने भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले हैं, जितनी भी वैल्यूज निकाली है E1, E2, E3, सबका बेटे वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे EF लिख रहे हैं, एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर बेटे अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसका हम क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, वेक्टर मेथड से उसका समेशन कर दें, then we will get the net electric field and it is nothing but your principle of superposition of electric field and it is called principle of superposition
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल मॉडल में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे बेटे मैंने कहा ना कि किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लीजिए E1 है, दूसरे चार्ज की वजह से E2 है, तीसरे चार्ज की वजह से E3 है, तो इस तरीके से आप सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और वेक्टर सम कर लीजिए। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई फ्रॉम एन टू एन ई आई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बेटे, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी ट्रायंगल पर हमने क्या किया, कॉर्नर पर एक चार्जेस रख दिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर पे हमने चार्जेस रख दिए और क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इसी तरीके से स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सेंटर पे, या कोई भी इस तरीके का शेप आपको देख के कह देगा कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से तीसरे चार्ज की वजह से निकाल लीजिए और फिर वेक्टर सम कर दीजिए। वैसे यहाँ पर भी इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और चौथे चार्ज, चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर वेक्टर सम कर दीजिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हुए आप करेंगे काम। तो इसके न्यूमेरिकल्स आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे, आप अपने बुक से चाहे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम कराएंगे क्वेश्चन इसके ही, तो आप अगले वीडियोस में, कुछ आने वाले वीडियोस में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए बेटे, फिजिक्स में पोल का मतलब, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड्स मतलब कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो चार्ज की पोलैरिटी है अगर वो प्लस है या माइनस, तो उसे पोल्स बोलते हैं, चार्जेस को पोल्स माना जा सकता है। दैट मींस चार्ज को, जो चार्ज के प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, उसे पोल्स माना जा सकता है। जैसे ये पोल प्लस पोल, ये माइनस पोल, ठीक है। तो देखा जाता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे आपका NaCl है, NaCl आप जानते हैं ना कि ये प्लस और माइनस, इसी तरीके से HCl है, तो ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो रहा है, आपके इक्वल, यहाँ पे प्लस में चार्ज है, यहाँ पे माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ पे जितना प्लस में है उसमें उतना ही Cl पे माइनस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है। HCl में क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन H एक देता है उतना Cl आपका इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या है, कंटेन करते हुए मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों और उनके बीच की दूरी कुछ फाइनाइट हो, कुछ अच्छी मतलब कम दूरी हो या फाइनाइट दूरी हो, तो बेटे ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दो पोल्स, डाई मतलब दो पोल्स कंटेन होते हैं। लेकिन बेटे ध्यान देने वाली बात है कि सर जी आपके मन में आया कि हम प्लस प्लस चार्ज ले दें और उसे हम आर डिस्टेंस पर रख दें, तो क्या ये डायपोल है? नहीं। इसी तरीके से बेटे माइनस माइनस चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये प्लस 3 माइक्रोकुलम है, ये माइनस 5 माइक्रोकुलम है। अब सर जी देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो क्या ये डायपोल है? नहीं। तो ये भी डायपोल नहीं है बेटे, ये भी डायपोल नहीं है, ये भी डायपोल नहीं है। तो डायपोल क्या होगा? डायपोल होगा अगर आपकी क्या हो, जितना जैसे प्लस चार्ज इस पर है उतना ही माइनस इस पे हो, यानी प्लस 2 माइक्रोकुलम अगर इस पर है तो माइनस 2 माइक्रोकुलम इस पे होना चाहिए। चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इक्वल से काम नहीं चलेगा ना अपोजिट से काम चलेगा, जब भी हो दोनों साथ में हो, है ना?
अगर आप देखें एग्जांपल में जितना प्लस इस पे था उतना प्लस इस पे, तो डायपोल ना ही मान रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अपोजिट ले लिया, अब सॉरी अपोजिट ले लिया, चलिए यहाँ पर तीन यहाँ पर माइनस पांच, तो अपोजिट चार्जेस ले लिए, तब भी डायपोल नहीं। डायपोल तब जब इक्वल हो, यानी टू माइक्रो कूलम इस पर भी है तो इस पे भी है, साथ ही साथ अपोजिट भी हो, तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ, डेफिनेशन हम बना सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस placed at some distance, या कुछ हाँ placed at some distance from each other, is called electric dipole। क्या बोलेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए से प्लस चार्ज, यहां पर मैंने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू आर डिस्टेंस, यहां पे माइनस क्यू। अच्छा बेटे, यहाँ पर देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गया, यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, मैथमेटिक्स ज्यादा ना करना पड़े, हम इस स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइप का डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस लेते हैं टू ए टाइप का, टू ए टू एल टू आर जैसा आपका मन करे, टू ए टू एल टाइप का लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर जी, अगर आप सपोज करिए कि आपको कैलकुलेशन, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको सारी कैलकुलेशन न तो यहां से करनी है न तो यहां से, कहां से करनी है, इसके बीच से। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप कैलकुलेशन यहां से करेंगे। तो आपको देखिए, अगर ए डिस्टेंस ले लोगे तो ए बाई टू यहां पर लेना पड़ेगा, तो अगर डिस्टेंस लेना है, सपोज ही करना है, तो टू ए ले लो, ताकि आपको यहां पर जब कैलकुलेशन करने के दौरान इतनी डिस्टेंस आप ए लेंगे, उससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो टू ए टाइप का डिस्टेंस लिया जाता है, टू एल टू टाइप का, टू ए टाइप का। अच्छा, इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ, क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। ओके, और ये जो लाइन इसको मिलाती है, यानी लाइन ज्वाइनिंग बाय द बोथ चार्जेस, प्लस और माइनस चार्ज को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं बेटे एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग बाय द चार्जेस, इस फॉर एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे बेटे? एक्सिस ऑफ डायपोल बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल देखिए, आपके जितने भी पोलर एग्जांपल में क्या है, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास वो क्या होते हैं, आपके डायपोल जैसे होते हैं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या है, NH4Cl हो गया, या H2O हो गया, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है बेटे। क्यों? क्योंकि यहां पर H आपके प्लस और Cl माइनस जैसा काम कर रहा है, तो प्लस माइनस का काम हुआ कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट का हुआ कि नहीं, इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटे, जैसे आपका H है, वो है क्या कहते हैं, H2 है, हाइड्रोजन गैस H2, तो H2 में क्या होता है, आपका H ही बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ पर H ही बॉन्ड बनाते हैं और आपका H2 फॉर्म करते हैं। तो ये आपके ऐसे तो डायपोल फॉर्म में नहीं रहते हैं,
जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब ये डायपोल बनते हैं। कैसे बनते हैं इसकी चर्चा हम जब इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो करेंगे। अब हमें जो जानना है वो एक क्वांटिटी जाननी है जिससे हम कैलकुलेशंस करते हैं, रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं, वो आपकी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मोमेंट क्या होता है बेटे, पहले हम उसको समझते हैं फिर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझते हैं। अगर बेटे किसी क्वांटिटी का उससे एसोसिएटेड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मास का इस आर से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मास। मोमेंटम का अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो इसके इस पे कुछ मोमेंट हो, मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा बेटे। अगर इस मास इनटू वेलोसिटी इसका इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम, या बोले मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। यानी जब भी किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी का नाम बदल के रखा जाता है मोमेंट, मोमेंट ऑफ समथिंग जो भी रहेगा, जैसे मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं, बट ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मोमेंट का मतलब क्या है, हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे करते क्या है कि हम यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस माइनस चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, क्या जैसे 2a है तो एक चार्ज लेते हैं, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे तो चूंकि दोनों सेम है, चार्जेस तो दोनों सेम ही है तो वैल्यू में दोनों सेम होंगे। तो दोनों सपोज कर लीजिए एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू का मल्टीप्लाई अगर 2a इस डिस्टेंस से कर देंगे बेटे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो क्वांटिटी आपको क्या बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। चाहे चार्ज आप प्लस लीजिए चाहे माइनस, हमें वैल्यू लेनी है, एक चार्ज की वैल्यू ले लीजिए और उनके बीच के सेपरेशन, जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देन यू विल गेट द क्वांटिटी नेम्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई भी एक, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ एन डायपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ईडी में लिख रहा हूं शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक बेटे इलेक्ट्रिक डी डायपोल मूवमेंट। कंप्लीट करिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए आप लोगों ने, अब बेटे इसको P से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय P। ये बेटे वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहां पे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई डायरेक्शन क्या है, तुरंत आपका क्वेश्चन होना चाहिए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं तो काहे का वेक्टर, और वेक्टर है तो डायरेक्शन बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे बेटा, इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी शॉर्ट में लिखा देते हैं, हैविंग डायरेक्शन From minus q to plus q.
चलिए कैसे इसको लिखा जाएगा बेटे, पी आपका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसे पी आपका हो जाएगा 2qa हो जाएगा, होगा कि नहीं, चार्ज इन ऐसे लिखेंगे 2a इंटू क्यू, आप अच्छा लिखने के लिए 2qa लिखते हैं लोग या 2aq लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आपका इस तरीके से, इसके साथ क्या करते हैं चाहे आप ऐसे लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है बेटे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पॉइंट्स क्या हैं ये अगले वीडियो में ही बताऊंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालूंगा, दोनों बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी, इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन तो डेरिवेशन में पूछा ही जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटे तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि जो फ्रेंड्स आपके स्कूल में है, स्कूल में पढ़ते हैं साथ में, कि आप अच्छी क्लासेस चल रही हैं तो उसको देखें, क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं बाद में कहेंगे सर आप पढ़ाए नहीं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप बताइए कि वीडियोस अच्छी बन रही हैं, सर पढ़ा बहुत अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए ताकि वो वीडियोस देखें और सभी बच्चे आगे ग्रोथ करें। घर पे रहिए बेटे, तब तक कोरोना जब तक चल रहा है सुरक्षित रहिए और हंसते खेलते पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।